हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और साथ में सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ भूगोल के प्रश्नों को लिया हुआ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? ऑप्शन चार है, पहला तूतीकोरिन, दूसरा है मोरमोगाओ और तीसरा है एनोर और चौथा है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर सही हो जाएगा। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा प्रश्न, बाबा बुदन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात। आंसर नंबर इसका सी कर्नाटक सही हो जाएगा। बाबा बुदन पहाड़िया कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तीसरा प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन चार है, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग 4, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 7, तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग 10। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। और दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भूगोल के प्रश्न चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भूगोल के सभी प्रश्न डेली 10-10 करके अपनी वीडियो पर लाता रहता हूँ। तो चलिए चौथा प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? ऑप्शन चार है, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग 31A, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 32A और तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग 26A। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग 31A सही हो जाएगा। यह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। पाँचवा प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। छठवां प्रश्न, तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला कर्नाटक, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा ओडिशा, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है। इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में कमीशन किया गया था। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 460 मेगावाट है। सातवां प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला रिहंद, दूसरा महानदी, तीसरा स्वर्णरेखा और चौथा भार्गवी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी महानदी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। आठवां प्रश्न, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ऑप्शन चार है, चीन, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा पाकिस्तान। इसका ऑप्शन नंबर ए चीन सही हो जाएगा। स्टील वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन की कुनमिंग से जोड़ता है। नौवां प्रश्न, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। दसवां प्रश्न है, सतमाला पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। और आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा सतमाला पहाड़िया महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये रही वीडियो। और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड।